हेलो दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कैसे देखना है ये सारी प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिजल्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, कुछ ही लोगों का बाकी है, उनका भी धीरे धीरे आ जाएगा, उनके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन करता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे रिजल्ट देखना है। तो सबसे पहले आपको साइट ओपन कर लेनी है कानपुर यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रिजल्ट का। रिजल्ट जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा, आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको रेगुलर प्राइवेट एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पहला ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी रेगुलर प्राइवेट एग्जामिनेशन 2018-19 यानी जहाँ पे न्यू है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करना है। जैसे आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे और प्लीज़ सिलेक्ट इस पर बोलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर फाइनली दिख जाएगा बीए सेकेंड ईयर। बीए थर्ड ईयर का आया था तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट यही कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, सर्वर थोड़ा वीक था, इसलिए वो बार बार सर्वर नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट फाउंड शो कर रहा था। तो दोस्तों, आप फाइनली आप यहाँ अपना रोल नंबर इंटर करके और अपना रिजल्ट गो करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा है कॉलेज वाइज डिटेल ऑफ पेंडिंग रिजल्ट फॉर एग्ज़ाम फॉर रेगुलर एग्ज़ाम। जिन लोगों का पेंडिंग में है यानी कि अभी प्रोसेस चल रहा है, उन लोगों का यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख जाएगी। बी एस सी केंद्र पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी। जिन स्टूडेंट का अभी तक नहीं आया है उनका ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट है। इन स्टूडेंट का कानपुर यूनिवर्सिटी में जो एक कॉलेज आते हैं इनका अभी तक रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ है, और बाकी लोगों का आ चुका है। अगर आप अपना रिजल्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं तो अपने कॉलेज का नाम सर्च करके देख सकते हैं। तो आपका अगर इसमें मिल जाएगा तो आपका यानी रिजल्ट नहीं आया है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करिए, जिससे वो भी जानकारी पा सके कि रिजल्ट आ चुका है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ज़रूर बताइए, मेरा आपको डिस्कशन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, जिससे ज्वाइन होकर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि इस किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने वाला हूँ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।